बेटर रहती है ठीक है नाउ इज इट क्लियर की व्हाट आर द कॉसेस कॉसेस आरLack of fitness poor concentration हम कह सकते हैं फिर कई बार टेंशन ओवर स्ट्रेस में आना कि हमने तो पिछली गेम हारी है अब जीतनी ही जीतनी है उसके कारण हो सकता है कई बार और मैक्सिमम टाइम जो बच्चे हैं स्पेशली इन नॉट ट्रेनर्स वार्मिंग अप में क्या कर जाते हैं कमी कर जाते हैं या वार्मिंग अप नहीं करते हैं इक्विपमेंट्स का कई बार जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वेटलिफ्टर ने चेक नहीं किया था अपना जो बार है और वो रस्टिंग से भरा हुआ था और चोट लग गई थी फिर उसके बाद है हमारे पास जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते ठीक है उसके कारण दूसरे एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार वॉलिंग गेम खेलनी हम शुरू कर देते हैं पुअर प्ले फील्ड हो तभी भी होता है ट्रेनिंग मेथड ये सारी चीजें और अगर हम कहें कि व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑब्वियसली जब इन हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं व्हेन वी केक अ प्रॉपर डाइट प्रॉपर वार्मिंग अप कर लेते हैं उसके बाद कंडीशनिंग प्रॉपर हो हमारी उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम खेलें स्ट्रेस लेवल को नहीं रखें कंसंट्रेशन के साथ खेलें प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज करें प्रॉपर स्पोर्ट्स गेयर लें तो हमें ये प्रिवेंशन हैं अब आती है इंजरीज जैसे हमने कहा था कर, कि सॉफ्ट इंजरीज एंड अदर इंजरीज आते हैं ठीक है ना अब ये इंजरीज कौन सी है बेटे नॉर्मली आपने सुना होगा वर्ड कॉन्ट्यूशन एब्रेशन है कॉन्ट्यूशन है ठीक है ना लेसरेशन है हैं, ये सारी चीजें हमने आम सुनी है अब ये होता क्या है ठीक है एब्रेशन क्या है पहला वर्ड है एब्रेशन एब्रेशन का नाम कभी सुना है बेटे क्या होता है एब्रेशन और ये आम खेलते हुए इस तरीके से हमें चोट लगती है वो कौन सा रीजन है एब्रेशन क्या होता है बेटा एब्रेशन है जब फ्रिक्शन से हम कहीं पर स्लिप करते हैं या गिर जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं सॉरी जब हमें जोर से चोट लगती है या कई बार हम डेस्क लग जाता है हमारे चलते चलते या कुछ हो जाता है तो क्या होता है नॉर्मली हमारे नील पड़ जाता है क्या हो जाता है वो बॉडी पर नील पड़ जाता है कैसे होता है इंटरनल ब्लीडिंग होती है डिसकलरेशन हो जाती है थोड़ी सी स्वेलिंग होती है एंड लेटरऑल क्या हो जाता है वो काले या नीले रंग में हो जाता है उसे हम कहते हैं बॉक्सर का जैसे मैंने बताया था कि बॉक्सर ने हिट किया जोर से उससे क्या है इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद जो है कलर जो है वो चेंज हो गया या फ्रिक्शन से ठीक है ना नॉर्मली ये होता है कि हमारे एक्सटर्नल वायलेंस से या फोर्स से कोई चीज लगती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है चेंजेस आ जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं एब्रेशन उसे हम क्या कहते हैं बेटा एब्रेशन अब इसमें क्या होता है पेन भी होती है स्वेलिंग भी हो जाती है ऑब्वियसली जब फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी और जो है ब्लीडिंग पे रेड कलर से चेंज होकर ये ब्लूइश कलर में डार्क ब्लूइश कलर में या कई बार ब्लैक कलर में हो जाता है ठीक है ना बेटा और ये क्या करता है इसकी अब हमने कैसे इस कॉन्टीट्यूशन को या इसको कैसे चेंज करना है को इसके बारे में हम आपको नॉर्मली बताते हूँ ठीक है ना aberration. जो कॉन्ट्यूशन है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं नील पड़ना ठीक है ना बेटा हमारे जो डिसकलरेशन होती है या उसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली नील पड़ना कह देते हैं नीले रंग में हो जाता है ना चीज अब इसको कैसे ठीक किया जाए हाउ व ट्रीटमेंट वी कैन अप्लाई कॉन्ट्यूशन के लिए या के लिए हमारे अलग अलग ठीक है बेटा अब कॉन्ट्यूशन में नील पड़ गया है तो हम क्या करेंगे हमने आइसिंग करनी है ठीक है थोड़ी थोड़ी देर बाद आइसिंग करनी है आइसिंग डायरेक्ट नहीं करनी आइसिंग जो है किसी कपड़े में या आइस पैड यूज करना है थोड़ी थोड़ी देर बाद और बॉडी को थोड़ा सा एलिवेट भी कर देना है ठीक है इससे क्या होगा कि बेटे वहाँ पर इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी ठीक है इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी बेटे हमारी रुक जाएगी और उसके साथ साथ वहाँ का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमें इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा हमने उसके बाद अगर पेन किलर दर्द ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा बहुत पेन किलर ले लेते हैं अदरवाइज कोई चीज़ के हमें जरूरत नहीं होती अप्रेशन में क्या होता है पंजाबी में कहते हैं चिरीठ लगना एल्बो में घुटनों पर नॉर्मली जब हम दौड़ते हैं या बच्चे सड़क पर खेल रहे होते हैं तो क्या हो जाता है या पाम पर हाथ छिले जाते हैं ठीक है ऊपर सुपरफिशियल जो हमारी स्किन है वो उतर जाती है उसमें क्या बार होता है कई बार थोड़ा डीप होने के कारण थोड़ा सा रेडनेस हो जाती है या कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें सबसे पहला काम है जब हमें ऐसी कंडीशन हो तो हमें इसे से से या से, या ये चीजों की अविलेटि, अविलेटि नहीं है ठीक है ना अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमने क्या करना है बेटा सोप लेकर उससे उस, उस एरिया को क्लीन कर देना है ताकि जो है वो अंदर ना चाहे या हमें इसकी प्रॉब्लम ना हो उसके बाद कोई ना कोई एंटीसेप्टिक्वेंट जो है या क्रीम जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर देनी चाहिए और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो बैंडेज हमें बांधनी चाहिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना बेटा हमें इनका इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसे हमने क्लीन किस तरीके से करना है और उसके आसपास का और मैंने आपको पहले भी बताया टेटनस का इंजेक्शन जो होता है वो नॉर्मली हम लोग लगवाते नहीं है लेकिन ये महीने छ महीने बाद या साल बाद हमें एक बार जरूर लगवा लेना चाहिए रीजन वीइंग टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यानी कि चोट नहीं लगेगी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे टेटनिस की जो होती हैं ठीक है थीके? उसके बाद है वूंद कई बार कट लग जाता है शार्प एच से हमारे हाथ या पैर या कहीं पर ध्यान नहीं देते तो हम उससे हमारे कट पड़ जाता है और जब कट पड़ जाता है तो ऑब्वियसली उसे हमें ठीक करने में या वो कब कट ज्यादा डीप हो हो सकता है केवल स्टिचेस भी लग जाती हैं फंक्शनिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आती या ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है अब जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो उन्हें रोकना सबसे पहला पर्पज होता है हमारा किसी भी चोट के लिए तो उसमें हम क्या करते हैं बेटे आइस का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद और अगर हमारे पास उस टाइम आइस नहीं है तो वाटर रनिंग वाटर जो है उसमें हमने हाथ को रख के और उस जगह को ठंडा करना है ताकि ब्लीडिंग जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाए इफ स्टिचेस आर रिक्वायर्ड वी हैव टू पुट द स्टिचेस और बैंडेज लगानी है गिव अ रेस्ट टू दैट पर्सन उसे आराम देना है और आसपास अगर स्वेलिंग है तो उसे ध्यान रखना है पेन किलर अगर बहुत पेन हो रही है तभी देते हैं अदरवाइज हम इसे नहीं देते हैं ठीक है वो बॉडी पोर्शन को जहां पर ब्लीडिंग होती है उसे थोड़ा सा एलिवेट कर दिया जाता है ऊपर की तरफ कर दिया जाता है अब आता है स्ट्रेन स्ट्रेन कौन सी चीज है बेटा नाम सुना होगा स्ट्रेन एक होता है स्ट्रेन और नॉर्मली बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेन एंड स्प्रेन में ठीक है ये दो चीजें हैं स्प्रेन एंड स्ट्रेन इनमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है एक चीज का ध्यान रखना जहां पर ट्रेन है वहां पर मसल्स है ठीक है और जहां पर प्रेन है वहां पर क्या होता है बेटा जहां पर प्रेन है वहां पर हमारे लिगामेंट्स और वगैरह जो टेंडेंस हैं उनकी प्रॉब्लम होती है ठीक है अब ये क्या चीज है आम पर देखा जाता है है या भी होते हैं ठीक ना सुने आपने खलिया माइनर पार्ट ऑफ मसल्स जब मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं ठीक है थीके? तो उससे क्या होता है वर्किंग जो है फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमारी जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है वो थोड़ी टाइम के लिए खत्म हो जाती है उसकी अनबैलेंस होने के कारण हमें पेन होती है अदरवाइज जो है बेटे हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को आसानी से रिपेयर कर लेते हैं ठीक है ना इसीलिए कहते हैं जब मोच आई है या कुछ है अच्छा थोड़े दिन के लिए स्पेन है या स्पेन है तो हम क्या कहते हैं कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल से है तो हमें क्या करना चाहिए स्वेलिंग अगर थोड़ी हो हो या पेन बहुत है वो हो है वो पार्ट जाता कई बार तो उसे हिलाना नहीं चाहिए थोड़ा उसे रेस्ट दे देना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है अब है कि जब हमें स्प्रेन या स्ट्रेन होता है तो प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं या क्या फर, फर्स्ट एड है ठीक है इसके लिए Pricer, जो हमने कल वर्ड सुना था ना प्राइसर एंड प्राइसर ये वर्ड को ध्यान में रखना है ठीक है ना बेटा पी फॉर प्रोटेक्ट और प्रिवेंशन आर फॉर रेस्ट I for राइसिंग सी फॉर कंप्रेशन ई फॉर एलिवेशन एंड आर फॉर rehabilitation, ठीक है इंजरी के जब तक बिल्कुल ठीक होने पर और हमें प्रॉपर मेडिकेशन और थेरेपी करवा कर हम जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते किसी चीज़ में हमें दोबारा गेम या कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें दोबारा वही कंडीशन आने की चांसेस बहुत रहती हैं और जिसके कारण हमारा टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है ठीक होने में ठीक है दूसरी है स्प्रेन नॉर्मली पैर मुड़ गया ठीक है ना हम कहते हैं ओहो लिगामेंट्स वगैरह जो हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे टूट जाते हैं या टेंडन्स जो है जो हमारी जॉइंट्स जितने भी जॉइंट्स हैं ना एंकल जॉइंट्स है एंकल का है रिस्ट का है हमारे एल्बो का है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शो करते हुए ये नॉर्मली क्या होता है बेटे ये जो हमारी इंजरी है ये लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स जो हैं अराउंड जो हमारे जॉइंट्स uh, के आसपास होते हैं ये क्या हो जाते हैं ओवर स्ट्रेचिंग के कारण या ट्विस्ट होने के कारण ये टूट जाते हैं और टेंडेंस पेन तो हमें क्या करना चाहिए इसमें उसे कंप्लीट जो भी प्लेयर या पर्सन है कोई जरूरी नहीं है प्लेयर के लिए है आम पर्सन का भी कई बार होता है तो हमें क्या करना चाहिए उसे कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए उसके बाद वहाँ पर जिस जगह पर लिगामेंट्स या वो टूटे हैं वहाँ पर क्या हो जाता है फंक्शनिंग थोड़ी पुअर हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर कंप्रेशन रखना चाहिए और कई बार गर्म पट्टी कहते हैं ना जिसको क्रेप बैंडेज वो बांध देते हैं हम नॉर्मली ताकि वो पार्ट जो है इमूवेबल हो जाए और उसे टोटली रेस्ट देकर ठीक किया जाता है ठीक है ये है नॉर्मली एब्रेशन कंट्यूशन वून या लेसरेशन बोल देते हैं एमसेस भी बोलते हैं इन्हें स्ट्रेन है और स्प्रेन है ये अलग-अलग टाइप -अलग की इंजरीज हैं जो नॉर्मली व्हाइल प्लेइंग हमारी होती हैं एब्रेशन में झीलीटा जाती है कंट्यूशन में नील आता है इसमें कट लग जाने से या किसी तरीके से भी चोट लगने से जख्म जो है वो ज्यादा डीप होने के कारण हमें केयर करनी पड़ती है ठीक है अब आते हैं जॉइंट्स वाले प्रॉब्लम्स जॉइंट्स की प्रॉब्लम या हम कह सकते हैं बोन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं कई बार ब्रेकेज ऑफ बोन को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटे फ्रैक्चर फ्रैक्चर किसे कहते हैं फ्रैक्चर कहते हैं बोन के टूटने को हड्डी का टूटना जो है ब्रेक डाउन हो जाना उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर अब फ्रैक्चर भी बेटे कई प्रकार के होते हैं कोई सिंपल नहीं हम उसे आम भाषा में बोल देते हैं उसकी हड्डी टूट गई लेकिन इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे ग्रीन स्टिक है सिंपल फ्रैक्चर है कॉम्प्लेक्स है ठीक है ना ये क्या है ये अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स हैं जो आमतौर पर हम देखने में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फैटल होते हैं जिनमें की डेथ जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से होती है अब ग्रीन स्टिक क्या है पहले लेते हैं ग्रीन स्टिक ग्रीन स्टिक क्या चीज है हेयरलाइन फ्रैक्चर सुना होगा आपने ग्रीन स्टिक जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो छोटे बच्चे उनके अभी बोन्स वगैरह की डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी उनके मसल्स की ज्वाइनिंग नहीं होती तो आमतौर पर हम देखते हैं कि उनका वो पोर्शन लटक जाता है जब कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है जैसे हम अगर देखें पेड़ की टहनी जो बिल्कुल ग्रीन होती है उसे जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं वो टूटती नहीं लेकिन वो लटक जाती है इन द सेम वे छोटे बेबीज जो होते हैं या बच्चे होते हैं जिनकी डेवलप प्रॉपरली हडिया नहीं होती उनकी ये कंडीशन होती है एक होता है सिंपल बोन का फ्रैक्चर हड्डी एकदम से या ठोकर लगी या किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ हड्डी का टूचन अब होती है कई कॉम्प्लिकेटेड ठीक है ना जैसे हेड इंजरी के साथ कवरेज ऑफ हेड जो ब्रेन है वो हमारा स्कल के साथ है ठीक है ना ये पूरा कवर करता है ये चेस्ट जो है हमारी वो रिब्स के साथ कवर्ड है ठीक है ना लेकिन अगर स्वीयर एक्सीडेंट हो तो क्या हो जाता है हमारी रिब्स जो है वो लंग्स में या हार्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम दे देती हैं और जिसके कारण डेथ के कॉजेस भी रहते हैं या ब्रेन का भी ऐसे ही होता है अगर स्वीयर लगा हो तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम आती है इसी तरीके से हेयर लाइन फ्रैक्चर है नाम सुना होगा आम है कि वो जुड़ा हुआ है ठीक है हड्डी लेकिन उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है इसे हम कहते हैं क्रैक भी नहीं होती पार्शली ब्रेकअप भी नहीं हुआ था चुड़ी भी होती है लेकिन उसमें लाइन से आ जाती है 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 ठीक पेन रहती ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम टोटल रेस्ट पे रखते हैं उस पर्सन को रीजन भी कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर टेकिंग अपर टाई इमूवेबल कर देंगे उस पोर्शन को ठीक है तो हमारे इनर जो बॉडी पार्ट है वो अपने आप हमारा सिस्टम जो है उसे जोड़ने में हेल्पफुल होगा अगर क्रैक बहुत स्पेयर है तो हम क्या करते हैं उस पर प्लास्टर लगा देते हैं प्लास्टर का मेन पर्पस क्या है उसका मेन पर्पस सिर्फ ये है कि उस एरिए को इमूवेबल कर दें ताकि वो बार बार अगर हिलेगा तो वो कंडीशन को खराब करेगा या फिर उसके जुड़ने में टाइम लगेगा या फिर वो खराब कई बार उल्टी देखिए ना कईयों की प्रॉब्लम हो जाती है कि हड्डी जो है वो सही तरीके से नहीं जुड़ती और उसकी फॉर्मेशन ऐसी ही रह जाती है। ये कहते हैं हमारी है, तो बॉडी का है उसे ठीक करना और उसके बाद हम उसे रिहेबिलेटिंग करके रिहेबिलेशन से थेरेपी करवा के मेडिसिन से रेस्ट से हम फिर उस प्लेयर को दोबारा उसी कंडीशन में लेकर आते हैं अब एक होती है फ्रैक्चर। कौम्य। फ्रैक्चर अब ये कौन सा होता है जिसमें हड्डियां जो है बड़े छोटे छोटे-छोटे पीसेस में टूट जाती हैं। ठीक है ना बेटे इसकी नॉर्मली यही होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो छोटे पीसेस में टूट जाती हैं स्वीयर जब कई बार एक्सीडेंट होता है अब हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है बेटे उसको हम नॉर्मली स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं और इनकम्लीट फ्रैक्चर जो है वो पूरी तरीके से टूटा नहीं होता है लेकिन उसकी partial, थोड़ा सा सा ब्रेकअप हमें नजर आता है ठीक है ये एक होता है ऑब्लिक ऑब्लिक फ्रैक्चर कौन सा है बेटे इसमें ना आमतौर पे देखा जाता दे है थाइस की या लेग्स के हड्डी एक के ऊपर एक चढ़ जाती है ठीक है उसकी कंडीशन जो है वो बड़ी ही डिफरेंट हो जाती है डायगोनल तो, ब्रेक हो जाती है नॉर्मली ठीक है ना इस तरीके से डायगोनली इसमें टूट जाती है सो so, अलग अलग प्रकार से जो है वो फ्रैक्चर्स होते हैं ये नाम आज शायद आपने पहली बार सुने हो नहीं तो फ्रैक्चर या हड्डी का टूटना हमें पता है लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं या अलग अलग कंडीशन होती हैं इसके बारे में आपको आज पता चला होगा डिसलोकेशन एक वर्ड होता है इसी में वो क्या होता है डिसलोकेशन क्या वर्ड होता है बेटा डिसलोकेट हो गई अपनी जगह से हिल जाना बच्चों को ऐसे उठाते हैं ना हम कहते हैं मत करो इसका मोडा निकल आएगा पंजाबी में बोलते हैं ना ये निकल जाएगा रीजन बॉल एंड सक एरिया से वो टेढ़ा हो जाएगा या नॉर्मली जब हम फिंगर्स वगैरह कई बार खींचते हैं ना बच्चों के तो ये चीजें जो है वो अपने एरिया से निकल के और थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है इसमें क्या होती है बहुत ही पेनफुल है ये भी क्योंकि सब चीजें अटैच बड़े तरीके से हुई हुई है अब इनमें क्या होता है किस तरीके से इनके ट्रीटमेंट्स हैं अलग अलग ठीक है ना पेन तो ऑब्वियसली किसी भी तरीके का फ्रैक्चर या चोट लगती है तो हमारी हमें पेन बहुत ज्यादा होती है हमारी फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो स्लिंग्स वगैरह अलग अलग तरीके की सपोर्ट देने के लिए अलग अलग तरीके की स्लिंग्स वगैरह का यूज किया जाता है ताकि वो सपोर्टिव रहे वो क्या रहे सपोर्टिव हो जाए जहां पर हम प्लास्टर वगैरह नहीं लगा सकते या कोई चीज वहां पर स्लिंग्स वगैरह या दूसरे तरीके के और आजकल तो एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि थोड़ी देर के लिए स्ट्रैप्स वगैरह लगाए जाते हैं या वेल्थों से टाइट किए जाते हैं उसको रेस्टिंग देने के लिए थोड़ी देर मसाज या कुछ करना हो या उस एरिए को ठीक करना हो तो उसे उतार भी दिया जाता है तो ये कंडीशंस हैं कंपैरेटिवली किसकी फ्रैक्चर्स वगैरह की अब इसी में आता है रिहैबिलिटेशन में थेरेपी करनी मेडिसिंस का है मसाज का है अलग-अलग टाइप -अलग की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि जो इंजर्ड पर्सन है वो अपनी दोबारा सही कंडीशन में आ जाए ठीक है ना बेटा ताकि वो खेलने के लिए या अपनी एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाए उसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रहे इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इसमें हमने जल्दीबाजी नहीं करनी है उस वट एवर द टाइम इज रिक्वायर्ड वो टाइम देना बहुत जरूरी है चाहे वो मसाज के लिए है जिसे हम थेरेपी भी बोलते हैं फिजियोथेरेपी होते हैं वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करवाते हैं एक्सरसाइजेस करवाते हैं हमें हमारी मसाज करते हैं इससे क्या होता है हमारा पूरा जो सेटअप है हमारी बॉडी जो है वो दोबारा रेडी हो जाती है उस काम को करने के लिए